Assalamualaikum, good evening guys, how are you? Right now we are entering in KPK, a province of Pakistan. Shadeed garmi hai, it's the end of May aur almost 44 degree temperature hai yahan pe. Aur we decided to go on Indus River. Pani bahut thanda hai wahan ka, bada acha pani hai, to jayenge thodi dukhiyan chupkiyan lagayenge. और प्लस हम जो अटक ब्रिज है जिसकी कुछ काफ़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वहाँ पे भी आपको बताएंगे. एक तो वहाँ पे दो रिवर मीट कर रहे हैं, काबुल और इंडस, और स्पेशली वो रिवर क्यों इम्पोर्टेंट है काबुल्स के लिए, अफगान्स के लिए, और सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए, मंगोल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, और पर्शियंस के लिए. तो वहाँ जाके आपको बताएंगे, और थोड़ा दरिया पे भी थोड़ा नहाए जाएंगे. तो लेट्स गो, बताते हैं आपको. राइट नाउ वी आर एट द हिस्टोरिकल ब्रिज, और इफ यू कैन शो देम, यहाँ पे दो दरिया मिल रहे हैं, एक द्रेसन है जो इंडस रिवर है, एंड वन इज द काबुल. जो इंडस है वो पंजाब से आ रहे हैं वहाँ से, और जो काबुल है वो इस साइड से केपी से आ रहे हैं. तो हिस्टोरिकली इन 15th सेंचुरी व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज के जब पर्शियंस और अफगान्स इन्वेट करते थे सब कॉन्टिनेंट को, तो दिस रिवर यूज्ड टू बी द यू नो इनकी जो एक डिफेंस लाइन थी वो होती थी मंगोल्स की. तो व्हाट दे डिड वाज दे कंस्ट्रक्टेड अ कैसल, और ये सोली जो है ये इसका पर्पस यही था कि डिफेंड करें अपने सब कॉन्टिनेंट को. एंड इट वाज लाइक असला डिपो, इट वाज अ डिपोट ऑफ ऑल द असला एंड गन्स एंड तोप्स, और उसका सारा था ये उन्होंने बनाया था सारा, ये डिफेंस लाइन थी मंगोल्स के लिए. तो दे वॉन अ लॉट ऑफ वॉर्स हियर, कुछ जीती हैं कुछ हारी हैं उन्होंने. ये आप देख सकते हैं ये दीवारें, यस, और ये पुराना जो है ना दैट वाज द ब्रिज, ये नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं ना गोल मटोल खड़े हुए, ये दैट यूज टू बी द ब्रिज. और यहाँ पे जो एरिया है पुराना, इसको कहते हैं मलाही टोला. मलाही टोला मीन सेलर्स ट्राइब. तो ये यहाँ पे जो लोग थे वो जो आए और उन्होंने जो सेलर्स थे मलाह थे, उन्होंने अपना यहाँ पे आबादकारी की और वो फिर यहीं बस गए. तो इस नाम का फिर मलाही टोला से मलाही टोला हो गया. और यहाँ पे अगर आप देखें ना ये एरिया जो है, ये अगर आप उतना आगे जाके दिखाएं तो काबुल का पानी है गंदा और गदला, ठीक है, और जबकि यहाँ पे सिंध का पानी है ये साफ है, नीला पानी है. तो और वो वहाँ पे ये दोनों रिवर मीट कर रहे हैं. आगे जाके दिखाएं, अगर यहाँ पे आप where Indus is coming from Punjab, and right now if we show them from here, this is the place where the Kabul is coming from, right? This is the place right now, right in front of my finger, this is the place where Kabul is coming from. If you show the water, it's muddy and dirty here, and then here, if we show them, that is where the Indus is coming from, the mighty Indus. Clean water. Yeah. So let's go. ये जी हम इंडस रिवर पर पहुंच चुके हैं, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये, तो आप लोगों के साथ कुछ खूबसूरत से शॉट्स शेयर करते हैं.
सिंस वी आर बैक, हम जो हिस्टोरिकल जगहों पे हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री का टच भी लें, मंगोल एरिया का, मंगोल एरा का, सॉरी. सो वी हैव टेकन द राइड एंड वी आर ट्राइंग टू फील के इस हिस्ट्री में लोग कैसे फील करते होंगे. सो इट्स अ ग्रेट फील टू बी ऑनेस्ट. Guys, it's time to move back now. They told us कि डैम का पानी शाम के टाइम वो खोल देते हैं स्पेलवेज, तो पानी अभी और ऊपर आएगा. खैर, अगर आपने आना है यहाँ पे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस अंडर द अटक ब्रिज, और पानी ज़्यादा है, काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं. समर में पानी ज़्यादा होता है, हॉर्स राइड है, कैमल राइड है, कश्ती है, खाने पीने का सामान है, नहाने के लिए अच्छी जगह है, ठंडा पानी है. और थोड़ा कैम हॉर्स राइड लिया हमने, थोड़ा मंगोल एरा का जो फील है वो हमने लेना चाहा, और बहुत, इट वाज माय फर्स्ट टाइम द हॉर्स राइड, और बहुत मज़ा आया. एंड देन कश्ती का राइड, दे आस्क यू कि आपने पानी वाली साइड पे जाना है जो दरिया चल रहा है, या खड़े हुए उसकी साइड जाना है, तो इट्स अप टू यू. खैर, इंशाल्लाह फैमिली को लाएँ यहाँ पे, इट्स वेरी इकोनॉमिकल, एंड विल मीट सून अगेन इंशाल्लाह इन द न्यू वीडियो.